नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कल यानी कि 7 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार चुनावी शंखनाद करेंगे, वर्चुअल रैली करेंगे। हम इस वक्त मौजूद है जेडीयू कार्यालय के अंदर, जहां पर कल यहीं से सीएम नीतीश कुमार का भाषण होगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यही वो मंच तैयार किया गया है। ये जो पोडियम आप देख रहे हैं हमारे साइड, यहीं पर सीएम नीतीश कुमार कल 11:30 बजे चुनावी शंखनाद यानी कहें कि चुनाव का बिगुल फूकेंगे और वर्चुअल रैली करेंगे। फिलहाल जो तैयारियां हैं इस वर्चुअल रैली को पूरे जोर पर है। आप दूसरी छोर तस्वीरें देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम को यानी कहें कि इस वर्चुअल रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी जो है कि मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री संजय झा पर है, और तमाम तरह के इंतजाम को जो है आखिरी तौर पर अपनी जमा पहचाना रहा है, और तमाम जो बिंदु हैं उस पर नज़र बनाया जा रहा है किस तरीके से इस रैली को सफल कर। खुद मंत्री अशोक चौधरी और संजय झा ने मोर्चा संभाल रखा है। आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीरों पर कि लगातार जो अशोक चौधरी हैं, संजय झा हैं, वो संवाद कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ, और तैयारियां जो हैं जेडीयू कार्यालय के अंदर इस रैली को सफल बनाने के लिए वो जोरों से चल रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अशोक चौधरी हैं फिलहाल जो तैयारियों को आखिरी दौर में। सर, किस तरीके से तैयारी चल रही है कार्यालय? तो अच्छी तैयारी है पूरे पार्टी की, अच्छी तैयारी है पार्टी के, पूरे लोग उत्साहित हैं, और हम समझते हैं कि माननीय नेता का ये वर्चुअल रैली, माननीय नेता इस व्यवस्था के परंपरा से वाकिफ़ नहीं है, वो तो जनता से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास है कि इस जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है उन परिस्थितियों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेता से जोड़ सकें, और ये हम समझते हैं कि ये ऐतिहासिक रैली होगी माननीय नीतीश कुमार जी का पूरे प्रदेश में। किस तरीके से कनेक्टिविटी डिजिटल तौर पर बनाई जाएगी पूरे बिहार में, इसके लिए क्या रणनीति है आप लोग? नहीं, हम लोग जो हम लोगों ने माननीय हम लोगों के साथी संजय झा जी ने एक अपनी टीम के लोगों के साथ मिलकर के एक डिजिटल डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया है jdulive.com, जिसके माध्यम से हम 1 से 10 लाख लोगों को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा सीएम का फेसबुक पेज है, सीएम का ट्विटर अकाउंट है, पार्टी का फेसबुक पेज है, ट्विटर अकाउंट है, इसके माध्यम से हम लोगों को लिंक भेज रहे हैं और उसके माध्यम से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे MP, हमारे मंत्री, हमारे MLA, हमारे पार्टी के संगठन के लोग, सब लोग फील्ड में प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात को, नेता की बात को पहुँचाने का काम करें। कुर्सियाँ भी लगाए गए हैं, कौन कौन नेता यहाँ पर आएंगे? क्योंकि ये अभी निर्णय नहीं हुआ है कि कौन लोग बैठ पाएंगे, अब नेता इस पर निर्णय करेंगे कि हम लोग को यहाँ लोगों को बुलवाना है कि नहीं बुलवाना। कल कितने बजे शुरू होगी कार्यक्रम? 11:30 बजे से नेता का भाषण शुरू। ये थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कल 11:30 बजे सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम जो है वो वर्चुअल रैली है वो शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल जेडीयू कार्यालय के अंदर इस वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। खुद कई मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है, संजय झा और अहो या अशोक चौधरी दोनों कार्यालय में ही लगातार जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जेडीयू से, उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं। उसके अलावा हम अपने कैमरा पर्सन को दूसरी छोर एक तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कई कुर्सियां भी लगाए गए हैं। इस जब सीएम नीतीश कुमार का कल भाषण होगा तो कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। हालांकि जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 100 से अधिक लोग एक रैली में से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, लेकिन फिलहाल कुर्सियों का भी इंतज़ाम किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि पालन किया जाएगा, कुर्सियों में 2 गज की दूरी का भी ख्याल रखा गया है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो जेडीयू की जो ये रैली है उसको सफल बनाने के लिए जेडीयू के नेता, जेडीयू के मंत्री युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। कल इसी मंच से सीएम नीतीश कुमार का भाषण होना है और कल चुनावी शंखनाद या कहें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज़ करेंगे सीएम नीतीश कुमार। अपने 15 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे नीतीश कुमार, और अपने विभाग कहें कि अपने सरकार के हर विभाग के आंकड़ों के जरिए विरोधियों को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।